हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ दोपहर से, और दोपहर के बज रहे हैं 1 और 1 बजे मेरा ब्लॉग, मतलब 1 नहीं बज रहा है, 2 बज रहा है, 2 बजे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और सुबह का सारा काम हो गया, लेकिन एक काम सबसे बड़ा रह गया था, कपड़ा धोने का। तो अभी मैं जस्ट कपड़ा धो के सुखा के आ रही हूँ छत पर से। और पानी का प्रॉब्लम तो जैसा का तैसा ही है ना, पानी मतलब ना पानी ना बरसात हो रहा है, मतलब जोर से ना पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। तो होता है ना, आज थोड़ा सा धूप निकला तो और सुबह में पानी नहीं आया, तो मैं नीचे जाकर ही नहाई और नीचे जाकर ही सारा कपड़ा धोई। उसके बाद जस्ट मैं अभी कपड़ा सुखाई हूँ 2 बजे के करीब। मैं नहा के पहले खाना खा ली थी, क्योंकि रात में कुछ खाए भी नहीं थे, भूख लग गया था, तो सोची कि पहले नहा के खाना खा लेती हूँ। फिर भी खाते खाते मुझे 11:30-12 बज गया था। और उसके बाद हम लोग के घर का जो मतलब छुटका था वो आज ख़त्म हो गया। तो आज सारा जितना भी घर था सबको झाड़ी बहाड़ी क्लीन की। उसके बाद कपड़ा बहुत सारा निकल गया था, देखिए वो सारा खोल तोल में सब यहाँ पे सोफा पर बैठी हूँ, सबका खोल सब मैं धोने के लिए रखी हूँ, मतलब धो के सुखा के अभी मैं आ रही हूँ। पर्दा उर्दा सब, मतलब इस वाले रूम का पूरा सब धो के सुखाई हूँ। उस वाले रूम का तो मैं कल ही धो दी थी, क्योंकि बच्चे थे तो थोड़ा हेल्प भी मिल गया था, और आज पूरा अकेले मुझे पड़ गया धोने का, तो वो धो दी। और अभी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, तो सोची मैं बाल्टी उल्टी में पानी भर के रख देती हूँ। मिस्त्री को हम लोग बुलाए हैं, देखिए कब आता है। और जो हम लोग का जो मतलब छत पे जो वॉशिंग मशीन रखा है ना, उसका भी पाइप इधर साइड में लगा था तो कोई मोटरसाइकिल से तोड़ दिया है, तो उसको भी बनाना है। और जब वो बनेगा तब तो मशीन में कपड़ा धोएंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल पानी नहीं आ रहा है तो हाथ से ही कपड़ा धो रहे हैं, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है कपड़ा धोने का, मतलब हाँ मशीन में कपड़ा धोने का भी ज़रूरी नहीं है। तो देखिए वो कब आते हैं तो कब बनता है। और बिल्कुल भी बोलते हैं ना कि थक जाते हैं, वैसे मैं बिल्कुल भी थक गई हूँ। मतलब ऐसे 3-4 दिन पहले से तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल, उसके बाद घर पर आए थे ये पानी का प्रॉब्लम, उसके बाद फिर मतलब छुटका लग गया उसका प्रॉब्लम, तो साफ एकदम मन होता है ना कि पता नहीं बेचैन टाइप का मेरा मन हो गया है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। और फेस का देखिए कैसे बैंड बज गया, मतलब फेस तो लग रहा है एकदम उतरा सा लग रहा है। तो मैं सोची कि कोई फेस पैक बनाकर फेस पे लगाती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ का देखिए कलर और फेस का देखिए, फेस रेड दिख रहा होगा, लेकिन मेरा फेस अभी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है, काला, क्योंकि जब आप लोगों का नींद चैन सब ख़त्म हो जाता है ना, तो ऐसा ही असर होता है। तो मैं सोची कि थोड़ा सा कोई पैक लगा के फेस में लगाती हूँ, कि थोड़ा मेरा फेस भी अच्छा दिखे, मतलब एकदम बुरा दिख रहा है, सब काला काला सब हो गया है। तो चलिए बनाती हूँ आज कोई फेस पैक, तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, कौन सा पैक बनाती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं थोड़ा सा पहले आराम करके पानी पी लूँ, उसके बाद मैं फेस पैक बनाती हूँ। और घर में एक बार और झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद सारा सामान सेट करूंगी। तब तक आज सोने को नहीं मिला, बिल्कुल भी सोने को नहीं मिला। देखिए अब होगा तो थोड़ा देर नींद लगेगा तो लेटूंगी, ये पूरा मेरे आँख के ऊपर का सब सूजा सा सब दिख रहा है। तो आज मैं बाल वॉश करके नहाई थी, लेकिन मेरा मन था बाथरूम साफ़ करने का, लेकिन बाथरूम में पानी आया ही नहीं, तो मैं कैसे बाथरूम साफ़ करूँगी। और कल रात को मैं बाल में बहुत ज़्यादा ऑयल लगा ली थी, मतलब होता है ना कि जिस दिन बाल वॉश करना रहता है उस दिन रात में मैं तेल लगा लेती हूँ। तो बच्चों को भी मतलब सिर में लगा दी थी, मैं भी लगा ली थी, हस्बैंड को भी लगा दी थी, तो सब मतलब सब कोई बाल वॉश करके नहा लिए, लेकिन मेरे नहाने के टाइम में पानी ही चला गया। तो फिर मैं नीचे गई, नीचे देखी तो पानी आ रहा था, तो मैं सोची कि पहले फटाफट बाल वॉश करके पहले नहा लेती हूँ, पता नहीं फिर पानी बाद में नहीं आएगा तो तेल वाला बाल लेके मैं दिन भर गर्मी से तो मैं मर जाऊँगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसीलिए मैं पहले बाल वॉश करके नहाई, खाना खाई, उसके बाद में कपड़ा धोने गई। और 1 बजे के करीब मैं कपड़ा धोने गई, और अभी 2:20 हो गया, कम से कम 1.5 घंटा लग गया मुझे कपड़ा धो के सुखाने में, तो कपड़ा भी बहुत ज़्यादा था। तो चलिए मैं बकबक नहीं करती हूँ, पानी पीती हूँ, उसके बाद फेस पैक बनाती हूँ, तब तक झाड़ू उड़ लगाऊंगी, तब तक पैक भी मेरा वो हो जाएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। तो चलिए पानी उनी पी ली और मैं पैक बनाती हूँ, तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों। तो ज़्यादा कुछ तो मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है, तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या डाल रही हूँ। और अभी फेस देख लीजिए मेरा,
अभी कैसा है और लगाने के बाद कैसा होगा मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो मैं ली हूँ ये टमाटर का जूस, तो ये कम से कम 2 चम्मच के करीब होगा। और उसके बाद मैं लूँगी बेसन, तो मैं ये 2 ही चीज़ का पैक बना रही हूँ। आप लोगों के पास होगा तो फ्रेश एलोवेरा होगा तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास भी है लेकिन छत पे है, लेकिन एलोवेरा का किसी और दिन मैं शेयर कर दूँगी। तो अभी इसी का बना रही हूँ तो इसी का शेयर करती हूँ। 2 चम्मच ये मेरा टमाटर का जूस है, तो मैं 1 चम्मच इसमें डालूँगी बेसन, और ये चना का बेसन है, चना का दाल का, तो इतना ही डालूँगी क्योंकि मुझे खाली फेस में लगाना है, नहाना रहता तो गर्दन उर्दन में भी लगा लेती। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, तो मैं अपने हाथों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ मिक्स करने के लिए, और थोड़ा हम लोग ठीक ही इसको बनाएंगे कि जिससे ये गर्मी का दिन है, मुझे लग रहा है थोड़ा ये गीला ही हो गया, पता नहीं गर्मी का दिन है क्योंकि मैं लगा के इसको थोड़ा सा मैं काम भी करूँगी तो ये टपके नहीं। थोड़ा सा और बेसन रख लेती हूँ, देखिए कोई पानी नहीं डाली फिर भी ये लग रहा है इसमें 1/2 चम्मच और बेसन जाएगा। तो 1 मिनट, देखिए कैमरा भी कोई पकड़ने वाला रहता तो क्या बात रहता, नहीं तो मैं कैमरा को थोड़ी देर के लिए रखी हूँ नीचे और यहाँ पे रख दी हूँ ये, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग भी, क्या करे कोई रहेगा तब ना। तो मैं इतना बेसन डाल रही हूँ देखिए 1/2 चम्मच के करीब, और कैमरा बहुत ज़्यादा नीचे रख दी इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही धुधरा दिख रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं डाली, 1/2 चम्मच के करीब ही डाल दी थी। हाँ अब इसका ठीक है टेक्सचर, ये थोड़ा मतलब ऐसा रहेगा कि काम उम करेंगे आप लोग तो चूहेगा नहीं। अगर आप लोगों को काम नहीं करना है सिर्फ लगा के बैठेंगे तो आप लोग थोड़ा पहले जैसा था वैसे भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं फेस में अप्लाई करती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं आप लोग को देख के ही लगा लेती हूँ, फाइन चला लेती हूँ, बहुत गर्मी हो रहा है। तो देखिए अभी मेरे फेस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पसीना लगा हुआ है तो इसलिए मैं ठीक बनाई हूँ, क्योंकि और पसीना होगा तो ये और मतलब वो हो जाएगा। तो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं पूरे फेस में, देखिए ये नेचुरल चीज़ है, इसको आप लोग लगाएंगे तो कुछ होगा भी नहीं, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं करेगा तो कुछ ख़राबी भी नहीं करेगा, लेकिन कुछ फ़ायदा ना करे भी है तो सवाल ही नहीं है। जितना भी आपके फेस का जो टाइम होगा वो सब रिमूव कर देता है। तो मैं तो हफ्ते में 1 दिन ज़रूर लगा लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा ही दिन हो गया, क्योंकि सारा चीज़ प्रॉब्लम आप लोगों को मालूम ही है, आप लोगों से तो कुछ छुपा नहीं है, डेली ब्लॉग है तो मैं सब बता देती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा मुझे से लगा लेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को रेस्ट करना है तो आइस के ऊपर भी लगा सकते हैं, मतलब आंखों के ऊपर, और मुझे तो अभी काम करना है तो आंख बंद करके तो काम नहीं होगा, खोल के ही काम करना पड़ेगा। तो मैं ये जो थोड़ा थोड़ा बच गया है वो यहाँ तक लगा लूँगी, यहाँ तक तो धो ही लूँगी पानी से। हाँ और एक बात और है कि इसको लगाने के बाद हाथ भी दुख जाता है यार, मतलब ये कैमरा पकड़े, तो इसको लगाने के बाद आप फेस वॉश मत करिएगा, फेस नॉर्मल पानी से ही वॉश करिएगा, फेस पैक मतलब फेस वॉश मत करिएगा। अभी ये अगर आपका लिप मतलब ये लिप भी डार्क हो गया तो उस पर भी लगा लीजिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए पूरे चीज़ मतलब लिप्स सब पे लगा ली, तो ये हो गया, थोड़ा मेसी हो जाता है लेकिन क्या करें, बहुत अच्छा आया ये। अब मैं इसको लगाई हूँ, 2:30 बज रहा है अभी, तो मैं इसको कम से कम 15 से 20 मिनट इतना रखूँगी। अब जब देखिए ये बेसन का जो कलर है ना पीला, अब जब हम लोग इसको हटाएँगे तो थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे रफ करके हटाएँगे, तब ये जितना भी बेसन ये पीला दिख रहा है ना सारा बेसन ब्लैक हो जाएगा, वही आपके फेस से पूरा टैन को रिमूव कर देता है। तो चलिए मैं ये हाथ को वॉश करती हूँ और उसके बाद इसको वॉश करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं कैसी लग रही हूँ जैसी,
बच्चे रहते तो नहीं लगाती हैं क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बोलते मम्मी क्या क्या लगाती रहती है। तो अभी बच्चे नहीं तो सोचे लगा ली। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद, बने रही, जब इसको मैं वॉश करने का टाइम होगा तब मिलूँगी, ठीक है। तो देखिए मेरा ये ड्राई हो गया, तो अब इससे ज़्यादा हम लोग ड्राई नहीं करेंगे। अब हम लोग इसको कम से कम 2-3 मिनट तक ऐसे ऐसे मसाज करने के बाद वॉश करेंगे इसको। तो चलिए मैं वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि बाथरूम में कुछ भी नहीं है रखने वाला मोबाइल। तो इसको खूब हम लोग अच्छे से मसाज करेंगे 2-3 मिनट तक। जहाँ जहाँ आपको लगेगा टैंग ज़्यादा है वहाँ वहाँ मसाज करेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद हम लोग इसको वॉश करेंगे नॉर्मल पानी से। तो चलिए मैं इसको वॉश करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बने रही ब्लॉग में। तो देखिए फाइनली मैं फेस वॉश कर ली, और फेस वॉश करने के बाद देखिए फ्रेश, कितना फ्रेश फ्रेश लग रहा है एकदम। मैं अच्छे से इसको क्लीन की सिर्फ पानी से, क्योंकि मैं सुबह में फेस वॉश की थी तो अभी मैं नहीं फेस वॉश की। और देखिए एक ही बार के पैक में फेस कितना मतलब क्लीन हो गया है। तो होता है ना कि अब आप लोग देख लीजिए, इसीलिए बोलते हैं रियलिटी यही है। तो ये देख लीजिए और फेस देख लीजिए, उस टाइम में कैसा लग रहा था अभी देख लीजिए एकदम, और एकदम फेस सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है और पूरा फेस एकदम क्लीन हो गया। एक दो बार और मैं लगाऊंगी इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैंग हो गया था मेरे फेस में, और बाल मेरा अभी गीला ही है। बाल को भी खोलते हैं, अब थोड़ा सा मैं टोनर उनर लगाती हूँ फेस में। थोड़ा सा बाल सुखाती हूँ और थोड़ा सा फेस में टोनर उनर लगाती हूँ, उसके बाद तो फेस कितना अच्छा दिख रहा है नहीं। यहाँ जो साइड साइड में ब्लैक ब्लैक था वो सब मैं वो की मतलब ऐसे रफ कर कर के निकाली तो सब निकल गया, और बहुत अच्छा फेस लग रहा है। तो बहुत अच्छा इसका मतलब रिजल्ट रहता है। तो आशा करती हूँ आप लोग भी एक बार ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं लगने वाला, जो कुछ भी है हम लोग के किचन में ही अवेलेबल रहता है, लेकिन हम लोग ट्राई नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग खोजते हैं कि मार्केट से कोई पैक मिल जाए बना बनाया, उसको हम लोग अप्लाई कर ले। मैं भी कभी कभी ऐसा ही करती हूँ, लेकिन ये सब चीज़ नेचुरल है। इससे लगाएंगे आप लोग का तो फेस भी अच्छा रहेगा और जल्दी रिंकल भी नहीं आएंगे आप लोग के फेस पर, और ना कोई दाग धब्बा ना कुछ भी, एकदम क्लीन फेस रहेगा आप लोग का। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इस पैक को आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और मैं चावल के आटे का भी पैक बना के लगाती हूँ, तो बोलिएगा तो मैं शेयर कर दूँगी। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, अब इससे ज़्यादा इस ब्लॉग को मैं लंबा नहीं करूँगी। और मैं अब अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करती हूँ, बाल उल मतलब कंघी करती हूँ। बाल मेरा ऑलमोस्ट सूख ही गया है, थोड़ा थोड़ा गीला है, तो थोड़ा और सुखाते हैं उसके बाद कंघी उंगी करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक लिए आप लोगों को प्लीज़ पूरा वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और न्यू फ्रेंड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने इस पैक को लगाया या नहीं। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय फ्रेंड।